वेलकम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि पत्नी के द्वारा जो पति के ऊपर 125 CRPC मेंटेनेंस का केस किया जाता है, उसका पति को ही बहुत बड़ा फायदा होता है। यहाँ पे हर किसी पति को इस फायदे का पता नहीं है, पर आज की वीडियो में खुलासा करने वाला हूँ किस तरीके से पति को 125 CRPC मेंटेनेंस केस से फायदा होता है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, पत्नियों के द्वारा पतियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के फॉल्स एलिगेशन लगा के विभिन्न प्रकार के फॉल्स केस कर दिए जाते हैं। ऐसे मामले आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इनमें से एक मामला होता है 125 CRPC मेंटेनेंस का। तो इसका पति को बहुत बड़ा फायदा होता है, और यहाँ पे पति परेशान हो जाता है जब उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस लग जाता है। तो किस तरीके से पति को फायदा होने वाला है, यहाँ पे पति की ये सोच होती है, पति ये चाहता है कि उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगे हैं, झूठे आरोप लगे हैं। यहाँ पे पति की गलती भी नहीं है, फिर भी जो पत्नी है उसने विभिन्न प्रकार के फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, उसने फंसाने की कोशिश की है और फंसा भी दिया है, और ऊपर से मेंटेनेंस और मांग रही है। तो यहाँ पे वो पति के साथ में बहुत गलत कर रही है। तो यहाँ पे पति की सोच होती है कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। एक तो उसने गलत किया है, जो पत्नी है, जो एक पत्नी का कर्तव्य होता है पति के प्रति और ससुराल के प्रति, उसका वो पालन नहीं कर रही है, और ऊपर से मेंटेनेंस और मांग रही है। तो यहाँ पे पति का मकसद होता है कि उसको मेंटेनेंस भी ना मिले और उसको जेल भी हो। तो किस तरीके से पॉसिबल है, और किस तरीके से पति को 125 CRPC मेंटेनेंस से फ़ायदा होने वाला है? तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आजकल जो ज़्यादातर पत्नियाँ हैं 125 CRPC मेंटेनेंस का केस ही लगाती है, और कोई सेक्शन में बहुत कम जाती है, पर 125 CRPC मेंटेनेंस का केस तो ज़रूर लगवाती है। तो यहाँ पे पति को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इस तरीके से होता है कि आजकल क्या है कि जो पत्नियाँ हैं उनको एफिडेविट देना होता है कोर्ट के अंदर, उनको डिटेल देनी पड़ती है कि उनकी कोई जॉब वगैरह तो नहीं है, उनको बताना पड़ता है। कहीं वो अगर जॉब कर रही हैं तो जॉब के बारे में बताना पड़ेगा, वो कितनी पढ़ी लिखी हो बताना पड़ेगा, उनको ग्राउंड बताना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करती हैं कि ज़्यादातर पत्नियाँ ये बातें छिपाती है, वो कोर्ट के सामने लाना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो वो क्या करती है, कई बार अपनी जॉब वगैरह छिपा लेती है, अपनी एजुकेशन को छिपा लेती है, और जो पति की इनकम है, पति की जॉब है, वो बढ़ा चढ़ा के उसमें लिखवाती है। जितना ज़्यादा वो लिखवाएंगी, उनकी सोच ये होती है कि उनको ज़्यादा मेंटेनेंस मिलेगा, तो इसलिए पति की ज़्यादा इनकम लिखवाती है, जबकि पति की इनकम कम होती है। और यहाँ पे जो पति की एजुकेशन है वो भी ज़्यादा लिखवाती है, पति की प्रॉपर्टी है उसको भी ज़्यादा लिखवाती है। तो इस तरीके से शो करती है। तो यहाँ पे अगर वो एफिडेविट दे रही है, एफिडेविट में अगर ये बातें लिखवा रही है, तो सरासर वो कानूनी अपराध कर रही है, और कानून की नज़रों में बिल्कुल ही अपराध होता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का अपराध वो पत्नी कर रही है, तो पति को क्या करना है, उस एफिडेविट को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें उसने कौन कौन से आरोप लगाए हैं, किस तरीके से उसने मेंटेनेंस को बढ़ाने की या फिर मांगने की कोशिश की है। और यहाँ पे अगर वो गलत तरीके से मेंटेनेंस मांग रही है, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसके ऊपर आप CRPC 340 की कार्रवाई करवा सकते हो। CRPC 340 की कार्रवाई आप करवा सकते हो। आपको कुछ एविडेंस देने पड़ेंगे, आपको साबित करना पड़ेगा कि इसके द्वारा जो ये बातें इसमें लिखवाई गई है झूठी लिखवाई गई है। यहाँ पे मेरे पास में ये एविडेंस है, ये देखिए, इसने अपनी जॉब के बारे में छिपाया है, तो यहाँ पे देखो ये जॉब करती है। इसने अपने एजुकेशन के बारे में छिपाया है, तो ये देखो इसकी इतनी हाई एजुकेशन है। यहाँ पे पति के बारे में उसने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखवाया है, तो पति अपनी जो रियल पे स्लिप है वो वहाँ पर दे सकता है कि सर देखिए इतनी ही मेरी इनकम है, और इसने यहाँ पे बड़ा चढ़ा के लिखवाया है, इसने मेरी प्रॉपर्टी को बहुत हाईलाइट कर दिया है, जबकि मेरे पास में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो इस तरीके से अगर पति वहाँ पे साबित कर देता है और CRPC 340 की कार्रवाई करता है, तो बिल्कुल उस पत्नी को जेल होने वाली है। क्योंकि CRPC 340 का मतलब ये है कि अगर कोई कोर्ट के अंदर झूठा बयान देता है, या फिर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करता है, कोर्ट के सामने झूठ बोलता है, जैसे एफिडेविट वगैरह में अगर पत्नी इस तरीके से झूठ बोल रही है, तो गंभीर आरोप में है, यानी कि गंभीर अपराधों कर रही है, उसके ऊपर CRPC 340 की कार्रवाई बनती है। तो पति इस तरीके से CRPC 340 की कार्रवाई करवा के उस पत्नी को जेल तक भिजवा सकता है, और उसके ऊपर वो मेंटेनेंस भी नहीं लगेगा, यानी कि पत्नी जो मेंटेनेंस लगवाना चाहती है वो मेंटेनेंस भी पति के ऊपर नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पति को 125 CRPC मेंटेनेंस केस से फ़ायदा मिलेगा। जैसा पति चाहता है वैसा ही हो जाएगा। पति चाहता है कि पत्नी को जेल होनी चाहिए, उसको मेंटेनेंस भी ना दूँ, तो बिल्कुल
इस धारा CRPC 340 से संभव होने वाला है। पति को यही करना है कि अगर वो झूठा कुछ भी वहाँ पे लिखवा रही है तो तुरंत उसके ऊपर CRPC 340 की कार्रवाई करवा देनी है, जिससे क्या है कि उसको जेल भी हो सकती है और उसको मेंटेनेंस भी पति को ना देना पड़े। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। दूसरा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर किसी कारणवश अगर मेंटेनेंस बन भी जाता है तो मेंटेनेंस बनने के बाद में पति के पास में ऑप्शन होता है कि वो क्रिमिनल रिविजन के लिए जा सकता है और वहाँ पे जाके कुछ एरियर वगैरह जमा करवा के और जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर स्टे ले सकता है। पति जैसे स्टे ले लेता है तो जो पत्नी है वो दबाव के अंदर आ जाएगी, वो सोचेगी कि यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, स्टे पहले से आ गया है, तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हो जाएगी और उसने जो भी केस किए हैं वो वापस उनको लेने के लिए तैयार हो जाएगी। वो चाहेगी कि जितना मेरे को मिल जाए उतना ही ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी पति को फायदा हो जाता है, पति जो चाहता है वो हो जाता है, क्योंकि पत्नी इस तरीके से दबाव के अंदर आ जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए राजी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, आपको स्टेपों का पता होना चाहिए, आपको जो एक्शन है वो किस तरीके से लेना है। ये ऑप्शन आपको कई सारे मिलते हैं पर आपको यूज करना नहीं आता है, तो आप इस तरीके से इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और जो मेंटेनेंस है उसे देने से बच सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पत्नी को जेल भी भिजवा सकते हैं अगर वो गलत कर रही है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।